नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 18-19 मतलब असेसमेंट ईयर 19-20, टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये मेरा टैक्स प्लानिंग का दूसरा वीडियो है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं, चार टिप देने वाला हूं, चारों टिप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टिप ये है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को अपने बिजनेस में जरूर रख सकते हैं और उनको सैलरी पे कर सकते हैं या रेमुनरेशन पे कर सकते हैं, अगर वो उनका जो एजुकेशन है वो उस सैलरी के या उतनी सैलरी के लिए पर्याप्त है तो, और आप वो बिजनेस में काम कर सकती है तो ऑब्वियसली। तो आपके फैमिली मेंबर अगर आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है और आप उनको सैलरी पे करते हैं तो वो एक वैलिड एक्सपेंसेस माना जाता है, और उसमें जो भी टीडीएस के प्रोविजन अगर आने होंगे तो आप टीडीएस का प्रोविजन भी उसमें फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कंपनी है आपकी तो कंपनी में आपके फैमिली मेंबर जो एलिजिबल है उनको डायरेक्टर आप बना के आप डायरेक्टर की सैलरी दे सकते हो, और उस पर टीडीएस डिडक्शन अगर आप करते हो तो 26AS, इसका मतलब जब टीडीएस का रिपोर्ट निकलेगा तो उसमें उनका इनकम भी वैलिड दिखेगा, व्हाइट में दिखेगा। उस एक्सपेंसेस को कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, शर्त एक ही है कि वो पर्सन का नॉलेज स्किल उस पर्टिकुलर काम के लिए जिसके लिए आपने रखा है वैलिड हो, और उतना वेतन बाजार में भी मार्केट में किसी और जगह पर भी उनको मिल जाता हो। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप ये बहुत बड़ा प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके घर में चार एलिजिबल पर्सन है, मान लीजिए चार एलिजिबल पर्सन है, चारों को 10-10 लाख रुपए का साल का वेतन के बराबर उनका नॉलेज है और हम उनको ऐसा दे पाते हैं तो 100% मैं बता रहा हूं 40 लाख रुपए के ऊपर, चार जन 10 लाख के हिसाब से 40 लाख हुआ, 10 लाख पे जो एवरेज टैक्स आता है लगभग लाख रुपए की आती है, तो चार जन का 10 लाख इसका मतलब सिर्फ 4 लाख रुपए लग रहे हैं। वहीं अगर ये कंपनी या फिर कोई और फर्म रही तो मिनिमम कंपनी रही तो 25% टैक्स लगने वाला है, मतलब 10 लाख टैक्स लगने वाला है, जबकि यहाँ पे 4 लाख पे कर रहे हो 6 लाख बचत हो रही है। अगर कंपनी के अलावा कुछ रहा तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि 12 लाख रुपए आपको लगने वाले हैं, जबकि यहां चार जन में डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण सिर्फ 4 लाख रुपए आपको लग रहे हैं। तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ी सेविंग का ये प्लानिंग कर लिया। तो दूसरी चीज ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर सेक्शन 80D का हमको छूट मिलता है। सेक्शन 80D का छूट भी आप ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 80C जो कि हमारा बेसिक सेक्शन है जिसमें हम लोग इंश्योरेंस का, पोस्ट ऑफिस का, बच्चों की ट्यूशन फीस का, ये सारे लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स की छूट मिलनी है सेक्शन 80C में। एक और चीज मैं बता दूं, सेक्शन 80E आपका एजुकेशन लोन में ब्याज का छूट देता है, तो सेक्शन 80E में आपको एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का छूट मिलने वाला।